आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारी लाल शर्मा, नीलम शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पौडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अब है एक अवस्था, एक तो है आत्म स्थिति जो साधारण लोगों की होती है, मध्यम श्रेणी के लोगों की होती है, एक होती है आत्म अवस्था। आत्म अवस्था क्या होती है? जब आत्मा जो है वो आत्म ज्ञान के मार्ग पर पहुंच चुकी होती है, जब उसे आत्म ज्ञान हो जाता है तो आत्म अवस्था की श्रेणी आती है। ये उच्चतम योगियों की श्रेणी है आत्म अवस्था। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती है, वो चाहे कहीं भी रहेंगे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मार्ग में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, उनकी आत्म स्थिति बिगड़ने वाली नहीं है, लोग नहीं आएगा कभी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उन्हें क्रोध आ गया है या उन्हें लोभ आ गया है, स्वार्थ आ गया है। मन सदैव शुद्ध है, आत्मा सदैव पवित्र है, भाव सदैव पवित्र है, वासनाओं से हृदय मुक्त हो चुका और पूर्णतया मुक्त हो चुका है, वहां से वापसी नहीं होने वाली। आत्म अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं वो समझे कि परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था है जो अनंत की अवस्था है, आत्म उपलब्धि की अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था है, पवित्रता की अवस्था है। वहां से जीव नीचे नहीं जाता है, वो अपनी अवस्था पर टिका रहता है। ऐसी जो आत्म अवस्था है, योग कहता है जब तक उस आत्म अवस्था को आप प्राप्त नहीं करेंगे आपका जीवन जो है वो डावाडोल ही रहेगा, स्थिति तो बदलती रहती है। ये वर्ष जो जा रहा है, जो 2023 आज खत्म हो जाएगा और कल से पुनः 2024 कैलेंडर ईयर शुरू हो जाएगा, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक जो कैलेंडर बीत रहा है उसका एक कैलेंडर बना लीजिए कि हमने क्या किया और आगे क्या करना है। कुछ चीजें रह गई जो हम करना चाहते थे, कुछ अवस्थाएं ऐसी रहती हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं, हम नहीं कार्य कर पाते, और उनको एक शेड्यूल बना लीजिए कि आने वाले वर्ष में हम इस कार्य को करेंगे और कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा कार्य तो ये हो रहा है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में, जो अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना दिवस है, सबसे बड़ा कार्य तो वही है। हम तो इसी बात से बड़े हर्षोल्लास हैं कि हम जो नया साल ये लगातार ही बनाते रहेंगे, पहले 1 जनवरी को, फिर 22 जनवरी को, फिर चैत्र मास की प्रतिपदा शुक्ल जो हमारे आएंगे, हमारे तो नववर्ष हिंदू संस्कृति के हिसाब से अभी शुरू हो गए हैं, चलते रहेंगे। हाँ, ये कैलेंडर ये विशेष रूप से आज अवश्य खत्म हो जाएगा। तो आप, मेरी सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप ऐसे ही आर्य समाज आते जाते रहा करें। इतनी भीषण सर्दी में भी आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपका मैं इस आर्य समाज मंच से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परमात्मा का ध्यान करते हुए आज आप सभी ने मिलकर के हमारे आज के मुख्य यजमान मेरे बड़े भाई अयला शर्मा जी, भाभी जी, जिनका जन्मदिन था परसों, आज उन्होंने इस पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर बैठ करके बड़ी श्रद्धा के साथ जो होतियाँ पर पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा जो इसमें यज्ञ में होतियाँ प्रदान की है, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना की कि ये धर्मम की भावना से यज्ञ किया है उन्होंने, ये मेरा नहीं सब परमात्मा तेरा तेरा है, हम तो तेरे पुत्र पुत्रियाँ बैठ के तेरा गुणगान कर रहे हैं,
1300 का झंडा का ऊंचा बुलंद कर रहे हैं, ये किसका है? परमपिता परमात्मा के द्वारा। हम भी परमपिता परमात्मा के हैं, वो है तो हम है, हमारी आत्मा है तो हम है, ये तो क्या है उसके बाद। अभी आचार्य जी कितने सुंदर व्याख्यान कर रहे थे, हमारा समय जो है कई बार विचार करता हूँ अलंगन हो जाता है, लेकिन जब ऐसे महानुभाव ऐसे विद्वान एक उच्च कोटि के विद्वान वेदों के ज्ञाता है ये आचार्य सुशील जी, ये तो 40-50 मिनट जैसे इनका बहुत कम है। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। संगत का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि इस संसार में दिखने वाली हर चीज का अंत अवश्य होता है, और जब प्राप्त चीजें हमसे छूटेंगी तो वे हमारे दुख का कारण बन जाएंगी, इसलिए हमें अपने मन को श्री प्रभु के चरणों में लगाना होगा। आगे उन्होंने बताया कि 9 जनवरी 2024 को मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महायज्ञ करवाया जाएगा, जिसके उपरांत शाम को माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियां महामाई की महिमा का गुणगान करेंगी, जिसके बाद भव्य लंगर का आयोजन अतुट चलेगा। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देशराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, ज्योतिषाचार्य गौरव, देशराज शर्मा, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कहने की बातें हैं ना, मुझ में सामर्थ्य है, मुझे लगता है किसी इंसान में सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना लंबा सिस्टम इतना लंबा सदन तक चलाता रहे, वो चलाती है तो चलाता है। सब कुछ महारानी माँ काली ये प्रत्यक्ष अनुभव है, खुद आगे करती है, खुद ही सारा मैनेज करती है, कहाँ से क्या होता है नहीं पता। 3 वर्ष पूरे होंगे और इन 3 वर्षों में हजारों लोग, हजारों की तादाद में पंजाब पंजाब से बाहर से आकर के भी लोग महारानी का आशीर्वाद करते रहे, उपाय करते रहे। कुछ लोगों की श्रद्धा है जो कार्य सफल होने के बाद भी भगवती से जुड़ गई, ये गुण को अच्छा लगता है ये करना जीवन में, क्योंकि संसार में भटकने के लिए बहुत जगह है ना, यहाँ भटकने वाला कोई काम नहीं होता। भटकना तब हम कहते हैं जब आपको हम कोई गुमराह करें, कोई मिस गाइड करें, या कुछ बताएं, या कुछ आपसे लें, तो क्योंकि स्वार्थ नहीं है यहाँ पे ना, हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। गलत रास्ते में इंसान वहीं पर जाता है जहाँ जिसके पास जाए उसको आपसे जब स्वार्थ शुरू हो जाता है तो फिर आप गए काम से। तो 3 वर्ष पूरे होंगे, उस दिन अर्धरात्रि को महा उपाय महाचंडी भी करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है जिनको सदियों की कोई अगर समस्या परेशानी रही है तो मुझे लगता है महारानी का उस दिन विशेष आशीर्वाद होगा, तो आप उस दिन साथ में कुछ नहीं लगना है, उसके लिए कोई सामान नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है, केवल 2-4-5 पीस जायफल के साथ में अलग से रखिएगा अपने जेब में, क्योंकि होना रात को पहले चंडी यज्ञ होएगा शाम को 4 बजे, है ना, 4 बजे बोल रहा हूँ तो 4:30-5 बजे शुरू होएगा, तो 6 बजे पंडाल आगे लगेगा यहाँ पे सड़क में आगे जाकर, वहाँ पर महारानी का भजन कीर्तन आप लोगों के लिए भंडारे के इंतजाम से भगवती का मचंडी का, और जो वहाँ से काम संपन्न होगा रात्रि को यहीं पे आकर दोबारा से दिव्य उपाय होगा। 9 जनवरी दिन मंगलवार है, 3 वर्ष पूरे होंगे माता रानी की सेवा करते, उस दिन भी आप सब बड़े शुद्धता से बड़े शुद्धता से बड़े मन से पहुँचिएगा, मेरा विश्वास है खूब कृपा होगी खूब आशीर्वाद। जैसे मैं अभी बता रहा था कि 9 जनवरी को तो उस दिन एक तो जो भगवती का गुणगान करेंगे माता रानी का मुकेश इनायत जी करके हैं सिंगर, अच्छा गाते हैं, महारानी ने उनको बुलाया है, और इस यज्ञ में ये इस महारानी की चंडी चौकी में बहुत सारे सज्जन भी आशीर्वाद लेने आएंगे, और जहां आप हर शनिवार इस यज्ञ की खबर देखते हैं दैनिक सवेरा है, तो वहां के जो प्रमुख हैं आदरणीय बाबू शीतलवीर जी वो मुख्य अतिथि होंगे, विशेष तौर पर वो पधारेंगे महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो उस दिन सब समय से पहुंचेंगे और
समय तक रहेंगे। जयकारा है माँ भद्रकाली जी का, बोल साचे दरबार की जय। मैं संजीव शर्मा सेवादार कालिका धाम ज्योतिष पृथ्वी नगर से आज माता रानी का हर शनिवार की तरह इस बार भी निशुल्क दुख निवारण दिव्या जो हवन यज्ञ होता है उसका आज हमारे बेटा जी विनी जी और आंचल जी ने यहाँ पर हवन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत दूर दूर से संतों ने आकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मैं शहर वासियों को पंजाब वासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ पर 3 साल पूरे होने पर 9 जनवरी दिन मंगलवार को माता रानी की चौकी का आयोजन किया जाएगा और मैं सभी भक्तों को कहता हूँ कि टाइम पर पहुँचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और रात के 12 बजे यहाँ पर हमारे पंडित जी एक बहुत बड़ा उपाय करने जा रहे हैं जो सबकी सुख शांति के लिए होगा, परिवार में और अपने धन दौलत के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपने दुखों के लिए। इसलिए मैं सभी शहरवासियों को हाथ जोड़कर फिर एक बार से विनती करता हूँ कि यहाँ पर टाइम से पहुँचे 9 जनवरी को और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र जालंधर की ओर से पंजाब प्रांत की औद्योगिक नगरी जालंधर शहर में नूतन वर्ष के पावन प्रसंग पर श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा का भव्य अति भव्य मंगल प्रवेश 1 जनवरी 2024 को प्रातः 10 बजे आइकॉनिक मॉल न्यू जवाहर नगर से प्रारंभ होकर भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र में जाकर संपन्न होगा। इस दौरान गुरुदेव अपने मुखारविंद से वर्ष 2024 के प्रथम दिन सभी भक्तों को धर्म सभा में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के तहत आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज निपुण जैन के निवास स्थान 295 कोहिनूर हाउस न्यू जवाहर नगर जालंधर में पहुंचे, जहां पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों की ओर से आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर निपुण जैन, लोकेश जैन, सुनील जैन, कमल जैन, विनेश जैन, बलबीर जैन, रोमित जैन, अनिल जैन, रजत जैन, मधु जैन, कोनिका जैन, करुणा जैन, हर्ष जैन, नीतिका जैन, दर्शिता जैन, विशाली जैन, सरीशा जैन, आदिश जैन, कशिका जैन, अंशिका जैन, रूशल जैन, कायरा जैन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सर्व पावपना सनो मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवाई मंगलम उवा सद्वहरं पासं पासं वद्दामि कम मघनं कम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पूरिंग मंतम नर्त्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुख दोगच्चम द्वसम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पाय बहिये पावंती अभिघेनम जीवा ऐरा मरम ठानम इय संतु महायश भक्ति मरणे भरे नहिय एनम तादेव दिज्जबो हिम भवि भवि पास जिन चंद उपसर्गा क्षयम यांति चिद्यंति विघ्न वल्लय मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम
प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय वल्लभ श्री महाराज की जय। आजा मेरे पास, शीतल बाबू, शीतल बाबू, शीतल बाबू, शीतल बाबू, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हाँ जी भाई साहब, देवता देवता भैया, शीतल बाबू, मैंने तब तक पंजाब की यात्रा दूरी थी। नमो वरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वसाहूनम एषो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं भवै मङ्गलम् उपसद्वहरं पासं पासं वन्दामि कमलं मुखं विसह विसनिघ्नासम् मंगल कल्याण आवासम विसहल कुलिंग मंतम अंति धारे दोसया मनु दस गहरोग मारी विठ जरा जंतु सामन चिट्ठौ दूरे मंतो तुंज प्रणामो भी बहु फलो कोई नर्तिरिये सूबी जीवा पावन तिन दुख दो वच्चम दुवसं मत्ते लद्दे जिता मनि गप्पाय वपहिये पावंती अविघ्नम जीवा ऐरामरम धानम यह संतु महायस भक्ति भरणि भरेन यकेनम तादेव दिज्य पोरिं भावि भावि पास दिनचंद उपसर्गः स्वयं याति चिद्यं जगति वल्लय मन प्रसन्नता मेति विज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जय।
सरस्वती सिंधु न्यास योगहाल आदर्श नगर में योग कक्षा, सरदार सतविंदर सिंह कुंदी महामंत्री भारत स्वाभिमान न्यास जालंधर में एक दिन का योग शिविर लगाया गया, जिसमें योग माता शकुंतला देवी को योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव और पंजाब सरकार द्वारा किरत कमाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके बेटे व जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अमृतसर के राजकुमार ने साधकों योगासन और प्राणायाम करवाए और एक्यूप्रेशर से अपने रोगों को ठीक करने की विधि बताई। इस अवसर पर सरस्वती सिंधु न्यास के बच्चों ने प्रार्थना और आसन किए। दास महेश ने साधकों को भजन सुनाए और योगासन करवाए। इसके उपरांत पंजाब फोक भांगड़ा टीम ने भांगड़ा डालकर समा बांधा। इस अवसर पर सतविंदर सिंह कुंदी और उनके पूरे योग परिवार ने आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और अल्पाहार करवाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। संदेश यहोद्या देश प्रदेश जो भी जड़े ना सब सुनने वाले वेखण तो योग जड़ा वो जरूर कर। तंदुरुस्ती का खजाना ऋषियों का वरदान है। ये योग जड़ा ना परमात्मा ना भी जोड़ता है। जो असं कपाल भाती करिए लौंग लौंग करिए बस्तरी का करिए जो बस्तरी का करने असी ये उस प्रभु के नाल किते ध्यान नहीं जाता वो जुड़ जाता तो वो जुड़िया जड़ी शक्ति साड़ी अपनी सारी दुनिया ही जड़ी है ना ये तंदुरुस्त रहेगी। योग जरा जरूर कर बच्चे कर जिमें मैनू परेशानियाँ आ गई हैं ना मेरे दंद गए पिता गया है जे हूँ जवानी बच्चे जड़े बच्चे करे न्याणे कर सियाने उन्होंने ना उन्होंने पिते जाते ना उन्होंने दंद निकलते ना उन्होंने लैस पैनते ये शर्ती इलाज मतलब योग करोगे ना सवेरे उठ के ते तुहाडे किसी दे बच्चे दे किसी दे सियाने दे सौ सिगा सिगा तुहाडियां नज़र भी ठीक रहेगी तुहाडे पित्ते भी ठीक रहन दे सौ तो ही उपर उम्र भी ज़्यादा कढ़ोगे। मतलब ये योग जरूरी है। क्लासा साड़ियाँ आर्मी च भी लगदियां ने क्लासा साड़ियाँ पुलिस लाइन च भी लगदियां ने क्लासा स्कूलों च भी कई अं जाने जो कोई सदा असं उदो जाने शुरू थोड़ा दस दो। मैं 15-20 साल हो ही गया अंदाजे ना दसन डी हाँ कि मेरी उम्र जी है ना मतलब मैं तो डॉक्टर जवाब देता ही आते हैं ये सेवा ही पर मैं योग के नाल अज इतनी स्वामी रामदेव दया नाल मत वो गुण ने मैनू इस मुसीबत पहुँचाया है। जो हों समान तो दया कृपा क्यों वो गुण के नाल मैं अच्छ सा बहुत बड़ा दिन है कि जेडे पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा तो पंजाब सरकार द्वारा किरत कमाई के अवार्ड न सन्मानित माता जी 85 साल के शकुंतला देवी जी अमृतसर तो जलंधर साढ़े हमारा योग ग्रुप है जो जहाँ पे परिवार है उसमें आज एक स्पेशल कक्षा लगाने के लिए आए और उन्होंने कई रोगियों को निरोगी होने के उपाय बताए और उनका इलाज भी किया और हंसी आसन करवाए डांस करवाया। हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमारे लिए आज जलंधर आने के लिए टाइम निकाला। हम भी वहाँ जाते हैं तो ये बहुत ही सत्कार के साथ हमारा स्वागत करते हैं। इसीलिए हम आज माता जी को फिर एक बार हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि जब भी जलंधर आएँ एक बार हमारी योग कक्षा में ज़रूर अपने चरण देखे जाएँ क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम योग को ऐसे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के सेवादार मेंबर सीए विश्वामित्र अरोड़ा का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय विश्वामित्र अरोड़ा को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे एडवोकेट कुणाल अरोड़ा ने दी। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सीनियर उप प्रधान ललित गुप्ता, अजय चोपड़ा, वीरेंद्र कोष
कौशल, विक्की, रमन शर्मा, भूषण कोहली, पवन मेहता, रंजीत आर्य, आप नेता दिनेश ढल, अमित ढल, बॉबी ढल, अरुण सचदेवा, अजय लाली, बलदेव आनंद, आचार्य बंसीदास, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, सुदर्शन ज्योति और सीए राघव अरोड़ा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सीए विश्वामित्र अरोड़ा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नेशनल लेग गार्ड वर्क्स